सो हेलो एवरीवन, हाय गाइस। बिल्कुल आप लोग जिस तरह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो आपको नॉलेज मिल रहा है अभी बैक ऑफिस से भी, और आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सब लोग जो है बधाई के पात्र बनते हैं कि आप सब लोग जो है एक्टिव हैं, क्योंकि 1.4 मिलियन लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सही नॉलेज ले रहे हैं और जो है सही शेयरिंग कर रहे हैं, और पैनिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लोग नॉलेज नहीं ले रहे हैं और बार बार पैनिक हो जाते हैं, ये कब होगा, वो कब होगा, तो भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग जो है अगर पहली बार चैनल पर आए और आपको इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भैया आपका बैक ऑफिस है, वहां से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो जो आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं बैक ऑफिस से, मतलब वो founders.net से या ecosystem से, वहां से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लीजिए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब यहाँ पे आज हम बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल फिर भी होते हैं, क्योंकि बैक ऑफिस में कुछ चीज़ें होती है लोगों के समझ में नहीं आती है, और कुछ लोग जो जानते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं शेयरिंग करते हैं। तो कुछ एक सवाल था, जैसे क्रेडिट माई वॉलेट में जो है एक ऑप्शन है नॉन विड्रॉल क्रेडिट एंड विड्रॉल क्रेडिट्स, तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये है कि सर ये क्या ओ वॉलेट कब तक आएगा, या ओ वॉलेट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, या फिर ये माई वॉलेट क्या है, इसमें माई वॉलेट से ही सारा जो ट्रांजेक्शन होने। देखिए, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, आप मानिएगा, ओ वॉलेट एक बहुत बड़े लेवल पर जो है एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक आने वाले दिनों में हमारे साथ में प्रोडक्ट आने वाला है, और डेफिनेटली इसमें हमारे कार्ड्स वगैरह भी आने वाले दिनों में आने वाले हैं। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं माई वॉलेट का ऑप्शन, उसमें जो सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन ये नॉन विड्रॉल क्रेडिट एंड विड्रॉल क्रेडिट, ये क्या है? देखिए, नाम से दिखता है कि नॉन विड्रॉल क्रेडिट और विड्रॉल क्रेडिट, मतलब आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं और जो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर कुछ चीजें हैं कि आपने कुछ वेबिनार्स पहले आई थिंक सुना होगा, इस बात को भी जानते अगर आप हो, तो करीब एक साल पहले तक की लगभग ये बात होगी कि जहां पर ये जिक्र किया गया था कि जब हमारे वॉलेट्स में जो है जिस तरह से हमारा इनकम आएगा, जो वॉलेट्स हमारे इसमें जो इनकम जनरेट होगी, एप्स जो जनरेट होंगे, तो ये जो है इसमें कैसे हम जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह ले पाएंगे, या कैसे होगा। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि कम से कम ईयरली इसमें सब्सक्रिप्शंस होंगे हमारे फाउंडर्स के यहाँ पर होने वाले हैं। आई थिंक उस मंथली भी कुछ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, बट ईयरली तो हमारे सब्सक्रिप्शन तो तय हैं जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं उनके लिए, राइट? यहाँ पर आप लोगों के पास में एक ऑप्शन होगा कि भाई आप इसमें जो है ऑटो मोड पर, मतलब कि ऑटो मोड के थ्रू जो है इसमें ऑटोमेटिक आप सेट कर दें कि भाई इस डेट में मेरे सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली जो है मेरे जो है वॉलेट से कट जाए, या फिर आप मैनुअल तौर पर भी जो है यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब मैनुअल आपको जब जरूरत पड़े तब आप इसके अंदर अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि आने वाले वक्त में हमारे जो वॉलेट्स वगैरह होंगे उसमें सब्सक्रिप्शन होंगे साल भर के, तो आप ये घबराइए मत कि यार हम कैसे ले पाएंगे। देखिए, ऑलरेडी आप यहां पे इतना जो है यहां पे आप अर्न कर सकते हैं, या आप यहां पर जो है आपके वॉलेट्स में इतनी एप्पल्स होंगी कि आप आराम से जो सब्सक्रिप्शन वगैरह ले पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन होगा आपके पास आने वाले टाइम में कि एक मैनुअल रहेगा या ऑटोमेटिक रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसा आप किसी भी SIP वगैरह आप कराते होंगे, कहीं भी आपने इंश्योरेंस वगैरह ले रखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, ऑप्शन होता है आपके अकाउंट से डायरेक्टली हर महीने की जैसे 1 से 5 तारीख के बीच में आपका पेमेंट कट जाता है, भाई फलानी डेट के दिन, सिंपल। तो ऑटोमेटिक होता है, आपको करने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में पैसा होता है ऑटोमेटिकली कट करके जो है वो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो है वहाँ पर पे हो जाता है, और आपका जो भी आपने जो किस्त वगैरह थी आपकी चल रही थी, लोन्स वगैरह की किस्त, और जो भी आपके SIP वगैरह चल रही होंगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली उस डेट में कट हो जाता है, सिंपली। ऑन पैसे में भी आने वाले टाइम में ऐसा सिस्टम रहेगा कि इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, या तो एक ऑटोमेटिक डेट आप ले लें, भाई इस डेट में एक साल बाद मेरा सब्सक्रिप्शन जो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कट जाए, या फिर जो भी मंथली होंगे, आई डोंट नो, जो भी सब्सक्रिप्शन आते हैं तो वो ऑटोमेटिक कट जाए, या मैनुअल तौर पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैनुअल मैं अपने जब मर्जी होगी तब ये करूंगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऑटोमेटिक वाला बेस्ट ऑप्शन होगा। डेफिनेटली वॉलेट्स में तो इतना होता ही है, होगा ही फ्यूचर में, कि आप आराम से जो है इसमें सब्सक्रिप्शन ऑटो मोड में ही लेकर के जो है कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होंगे, कितने होंगे, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि सारी चीज़ें डेफिनेटली ये सब लाइनअप है, मतलब ये ओ वॉलेट में आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें और होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें, कस्टमर्स के लिए, पब्लिक के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी सेम ही है ऑन पैसिव का जो इको सिस्टम है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं उनके लिए, राइट? तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ें होंगी। अब ये जो वॉलेट देख रहे हैं आप, नॉन विड्रॉल क्रेडिट्स जो देख रहे हैं, विड्रॉवल क्रेडिट्स है, तो इसके अंदर भी आगे क्या सिस्टम आता है, तो इसमें आपको वेट करना होगा। जैसे अभी माई वॉलेट में आपके 10 क्रेडिट पॉइंट बता रहा है, लेकिन डेफिनेटली जब 90
$97 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो $107 ये होने वाले हैं या 107 पॉइंट आपके हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से इसमें सब्सक्रिप्शन कैसे आते हैं, उसमें कैसे आपको आगे जा करके इसमें क्या विड्रॉल क्रेडिट आता है, इसमें नॉन विड्रॉल क्रेडिट क्या होगा, तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलने वाला। तो अपकमिंग प्रोडक्ट से जैसे फिर से बताऊंगा, ट्रैकर वहाँ से हट गया, लेकिन ओ ब्लेस नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर हम यहाँ पे बहुत से हेल्प भी करने वाले लोगों की। तो ब्लेस एक सबसे अच्छा जो है प्लेटफॉर्म होगा हमारे थ्रू, जो अगर हम यहाँ पे अपने थ्रू कैसे क्या लोगों के तक यहाँ पर करना है वो ब्लेस में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये कैसे सिस्टम आता है आगे वो ब्लेस का, इसमें कैसे हम आगे जो है लोगों तक अपना जो हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो नॉन विड्रॉल क्रेडिट होगा इसका बाद में कैसे ये विड्रॉल क्रेडिट में जाएगा। विड्रॉल क्रेडिट डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर होगा कि विड्रॉल क्रेडिट के थ्रू आप डायरेक्टली फिर वहाँ से क्लिक करके जो है अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह में जो भी है पल्स वगैरह जो इनकम है वो आप उसमें जो है विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें KYC उसके पहले होना ज़रूरी, तो वो KYC होगा, अगर आप बैंक विड्रॉल लेते हैं तो उसमें KYC ज़रूर होगी। तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं लाइनअप है, तो हो सकता है मे बी इसी मंथ में या कुछ ही दिनों में आपको ये KYC का ऑप्शन भी आ जाए। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं तो हम किसी पर डिपेंड नहीं है, मतलब हमारे खुद ही के सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है सारा हमारा KYC होगा, और इसमें हमारे खुद ही के फ्यूचर में जो आने वाले समय में पेमेंट गेटवेज आ जाएंगे, तो हमारा टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम किसी पर डिपेंड रहने वाले नहीं है दोस्तों। तो ये एक लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं एक प्लानिंग है, पूरी लाइफ टाइम की प्लानिंग है, आने वाली जनरेशन की प्लानिंग है, इसी टाइप से सिस्टम काम करेंगे दोस्तों, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलने वाली है। इकोसिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में और भी फैंटास्टिक होने जा रहा है। तो सारी चीज़ें करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए और बैक ऑफिस से अपडेट लेते रहिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ रहा है। तो बाय बाय गाइज, आई लव यू ऑल।